मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इतना चाव किसी नए दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने का नहीं होगा जितने हमारे प्रधानमंत्री को कुर्सी पे चढ़ने का था पीएम की। और पीएम की कुर्सी पे चढ़ के क्या किया उन्होंने, क्या किया पीएम की कुर्सी पे चढ़ के? उनके दिल में इतनी आग लगी शिखर धवन के टूटे अंगूठे की, शिखर धवन के टूटे अंगूठे की आग लगी। और अगले दिन ट्वीट आ गया कि हमें बुरा लगा कि आप वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे हैं। उनके दिल में ये आग नहीं लगी, ये उन्हें नहीं दिखा कि इतने बच्चे मर गए? बच्चों, बच्चे क्या होते हैं? दे आर द फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री, फाउंडेशन ऑफ द नेशन। मतलब वो बच्चे क्यों नहीं दिखे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री योग में बैठे थे, फिर से योग कर रहे थे, या मौन धार लिया था, या फिर हम ये समझे कि वो बच्चे दलित के थे, पिछड़े के बच्चे थे? दलितों के बच्चे ज्यादा अधिकतर मरे क्योंकि दलितों की उनकी नजर में कोई इज्जत नहीं है, दलित उनकी नजर में एग्जिस्ट नहीं करते। पहली इस देश की, पहली भी सरकारें रही है लेकिन पहली इस देश की ऐसी सरकार देखी है जिसकी नियति, जिसकी सिर्फ जिनके मुद्दे, जिनकी आइडियोलॉजी डिवाइड एंड रूल, धर्मों को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम करना, दलित पिछड़ों को करना। ये बहुत हैरानगी की बात है कि इनका पूरी सरकार, पूरी आइडियोलॉजी इन चीजों पे चलती है। बहुत ही शर्मनाक बात है, आए दिन मुद्दे होते हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। आप देखिए मुसलमानों के साथ क्या, और आज डरता होगा देश का मुसलमान बाहर जाने पे। गाय के नाम पे आप देश चला रहे हो, गाय के नाम पे आपने तबरेज को सूली पे चढ़ा दिया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम से कौन सी भक्ति होती है मोदी जी? आपकी सरकार बताएगी कौन सी भक्ति होती है? जय श्री राम बोलने से भक्ति हो जाएगी? इनके मुद्दे जय भारत माता की जय और जय भीम से ही शुरू होते हैं। इनके मुद्दों में कभी ह्यूमैनिटी नहीं आएगी। इस देश की राजनीति आप देखिए कभी हेल्थ पॉलिसी से शुरू होगी? इस देश की राजनीति कभी, इस देश की राजनीति का मुद्दा संसद में कभी डिस्कस किया जाएगा कि हेल्थ पॉलिसी पे बात करते हैं, हेल्थ पॉलिसी पे अपने मुद्दों को लड़ते हैं? कभी नहीं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं, खाक आयुष्मान भारत, इंतजार करते हैं बच्चा बीमार होगा अस्पताल में जाएगा और 5 लाख रुपए देंगे उसको? कोई, सब जुमला है, कोई 5 लाख रुपए नहीं। क्यों ना हेल्थ पॉलिसी पे बात की जाए, क्यों ना सैनिटेशन पे बात की जाए, ऐसी चीजों पे बात की जाए कि बच्चा बीमार पड़े ही ना। बहुत हर कोई अपने भाषण में बोलता है गरीब गरीब, गरीब होने क्यों देते हो भाई, गरीबी तक पहुंचते क्यों? आप किस तरह की, इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज, इस तरह की प्लानिंग क्यों नहीं करते कि वननेस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी पे बात की जाए संसद में? संसद पे मुद्दे उठाते हो धर्मों के, क्या शर्मनाक नमूना पेश किया उन्होंने जब ओथ सेरेमनी चल रही थी, जब आप बढ़ावा देंगे जय श्री राम करके वैसे जब ओथ ले रहे थे, कह रहे थे अपने भाषण में, तो जब आप वहां से इस तरह का चलेंगे तो डेफिनेटली जो बाहर लोग हैं उनको तो बढ़ावा मिलेगा ना, वो तो चढ़ेंगे इस चीज से। और ये अभी किसी मीडिया वाले ने मुझसे पूछा ये आपका संगठन तो छोटा सा है, इसमें लोग इतने आए हैं, क्या होगा, आप इससे क्या करेंगे? ये ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच, और स्क्रैच से शुरू होंगे। आज इतने हैं, कल इससे भी ज्यादा होंगे और बढ़ता जाएगा। ये सरकार जब जब अपनी तानाशाही दिखाएगी तब तक हम लोग सड़कों पे आएंगे, सड़कों को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। ये यूथ आज का जाग चुका है, थैंक्स टू सूरज मंडल सर, थैंक्स टू रतनलाल सर जिन्होंने इतना बखूबी इनिशिएटिव लिया, एंड आई रियली फील ग्लैड कि एज ए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने मुझे अपने साथ रखा। बिकॉज बहुत दुख लगता है जब ये नजर में आता है कि एक दलित महिला की मौत हुई, दलित के साथ रेप हुआ, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हो, क्या आपका संसद में बैठे हृदय नहीं झड़ता? आपको तकलीफ नहीं मचती उस चीज की? और ढोंग करते हैं दलित लिबरेशन का, दिखाते हैं हमें पॉलिसी बनाते हैं दलित लिबरेशन की, दिखा देते हैं किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को स्पीकर बना दिया, हमें नमूना दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अपने तरीके से चलाएंगे। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, हम लोगों में समझ है, हम लोग समझ रहे हैं चीजें कैसे चल रही हैं। सो इट इज वेरी हार्ड टू मेक अस फूल एंड वी आर हेयर, हम हैं यहाँ पे उन लोगों की आवाज बनेंगे जिनके पास आवाज नहीं है। वी आर हेयर टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, एंड ये लड़ाई अभी यहाँ से शुरू है, एंड आई ऑलवेज से ये आगे तक जाएगी अगर ये इसी तरीके का नमूना पेश करते रहेंगे संसद के अंदर। और संसद के अंदर जब कोई अच्छे तरीके से निर्णय नहीं लिया जाएगा, आप देखिए कल बहुत अच्छी बात मैंने रतनलाल सर का एक भाषण सुना, उन्होंने उसमें कहा कि अगर सीएम डीजीपी को आदेश दे दे कि अगर इस तरह का मुसलमानों के साथ या जो भी कोई भी धर्म के नाम पे बच्चों को मार रहा है या लड़ रहा है या सूली के घाट चढ़ा दिया, तो वो निर्णय दे दे कि अगर इस तरह की पुलिस काम करेगी तो उसको उसकी पोजीशन से रद्द कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप देखेगा अगले दिन से ही ये सारी चीजें होने बंद हो जाएंगी। और अगर ये सारी चीजें बंद नहीं होंगी तो एज एन इंडिविजुअल हमारा संविधान हमें ये ताकत देता है कि हम सवाल करें, हम सड़कों पे उतरे, और हम सड़कों पे उतरेंगे क्योंकि हमें हमारे संविधान की कदर है, हमें पता है कि जिसने संविधान लिखा है वो हम सबके लिए क्या मायने रखता है। और ये
ये उसी की ताकत है कि हम आज सारे यहाँ इकट्ठे हैं और एक औरत होने के नाते आई एम रेजिंग माई वॉइस बिकॉज आई कांट सी इनजस्टिस हैपनिंग एवरी डे विद द मिनोरिटीज विद द दलित्स विद द यादव्स देयर इन यूपी. सी द क्राइम रेट कैसे बढ़ रहा है. ये क्राइम रेट पिछले 2-4 सालों में मतलब सोच के हैरानगी लगती है कि वेयर इज दिस सोसाइटी ग्रोइंग. कहां जा रहा है ये देश. बात करते हो विकास की, अब बात करो विश्वास की. अजय ये जुमला किसी और को देना, विश्वास विकास का. हम बैठे हैं, अक्षरम आनी चाहिए थी, अभी तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था जितनी चीजें हो रही हैं आपके सरकार में होते हुए. लेकिन अगर आपको शर्म नहीं आ रही, अभी भी वक्त है. वो योगापंथी से, वो मौन से उठ जाइए और देश के लिए कुछ कीजिए, वरना देश का बच्चा बच्चा जागा फिर आपके लिए कुछ करेगा. जय हिंद दोस्तों.